छोटे रो मत, घर जाकर दूसरा गाजर दे दूंगा। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे यही गाजर चाहिए, बस यही चाहिए और अभी चाहिए। अरे तू जिद मत कर, वो तो बंदर ले गया ना, हर वक्त सबको परेशान करता रहता है वो, बहुत चालाक होने से किसी के पकड़ में नहीं आएंगे। छोटे रोमत, तुम्हें वही गाजर चाहिए ना, हम उसे वापस लेंगे। ऐसे कैसे, वो चालाक बंदर के हाथ से हम कैसे लेंगे गाजर? अगर हम उसके पास भी गए तो वो हमें चकनाचूर कर डालेगा। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम सब लोग कुछ तरकीब बना के चतुराई से उसे वो गाजर ले लेते हैं। हाँ वही तो, आज उसका ये खेल खत्म करते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा, मुझे घर जाना है, तुम लोग जाओ। अरे छोटू हाथी का डर तो देखो। नहीं मुझे डर नहीं, मुझे घर जाना है, एक छोटे से बंदर को पकड़ने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत क्या है, एक ही काफी है ना बतक? कौन? इसमें शंका क्या है, हम लौट डालकर देखेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। पोसम पाई 100 रुपए की खड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। पोसम पाई 100 रुपए की खड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, अब मैं गिनूंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, रात के बज गए पौने 2, जो होता है हो। अरे फिर से मैं? छोटू हाथी कहीं जा रहा है। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो बंदर मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे डर लगता है। अरे इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर तू है ना, तुझ जैसी ताकत और किसमें होगी? तुम लोग मुझे बहलाओ मत, मैं नहीं जाऊंगा। अब ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं, तूने ही लौट डालने कहा ना, अब जाना ही होगा। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मेरे गाजर नहीं लाए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, सच में। तो ठीक है मैं जाता हूँ, पर मेरे साथ कोई आना पड़ेगा। साथ जाने के लिए वो तो मैं जाता हूँ छोटू हाथी के साथ। ओह अब तसल्ली हो गया। ऐसे वे लोग नटखट बंदर के खोज में निकले, लेकिन कुछ दूर चलते ही छोटू हाथी को डर लगने लगा। अरे ये हाथी थी ना।